हाय फ्रेंड, आखिरकार जिस चीज़ से डर था हम लोगों को, वही चीज़ हम लोगों के सामने करीब आता चला जा रहा है। ओमिक्रॉन के बारे, जिस वेरिएंट के बारे बात हुई थी और जिस वेरिएंट के बारे हम बात करने जा रहे हैं, उसको हम सारे लोगों को जरूर समझना होगा कि हम अब इस चीज़ से कैसे बचें। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगभग 213 केसेज जो हैं भारत में आ गए, जिसमें 57 केसेज जो हैं वो दिल्ली में, 54 केसेज जो है महाराष्ट्र में, और 28 केसेज जो हैं, 24 केसेज लगभग जो है वो तेलंगाना में है। यानी कि वैसे जगह जहां से इंटरनेशनल लिंक जो कनेक्टिविटी है, उन सारे जगहों पे जो है वो ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ते चला जा रहा है। कुछ चीज़ को और समझना होगा कि हम जो ओमिक्रॉन के बारे में बात करते हैं, कि आपको एग्जांपल बताते हैं कि अगर किसी के घर में एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन से प्रभावित है, तो स्वाभाविक तौर पे उसके घर में अगर 4-5 व्यक्ति और हैं, तो सारे के सारे जो हों प्रभावित होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है। यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ये फैलने वाला डिजीज़ है। इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो कि ओमिक्रॉन से ग्रसित है बीमारी से, उन सारे लोगों को हम लोग जो है वो तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए भेजें। बात बहुत सारी आ रही है कि क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है? नहीं, लॉकडाउन लगाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वायरस किसी लॉकडाउन वाले परिवेश में नहीं जाएगा, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। लॉकडाउन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हम सारे लोग सुरक्षित हों, जैसे सारे गाइडलाइंस बताए गए हैं कोविड के, और जिस तरीके से हम लोग कोविड से पिछले 2 सालों से, यानी कि लगभग 21-22 महीनों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसमें अब जैसे भारतवर्ष जैसे देशों में मात्र 6,000, 7,000, 8,000 केसेस ही आ रहे हैं, और लगभग 1,00,000 से भी कम हमारे पास केसेस बचाए, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है इसमें हराने में कामयाब हुए हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होता है कि अगर हम ओमिक्रॉन से लड़ना है और हम सारे लोगों को ओमिक्रॉन के बारे में जानना और समझना होगा, तो वो चीज़ें हैं कि हम जितने भी जो कोविड के गाइडलाइंस हैं वो चीज़ को फॉलो करें, जिसमें नंबर 1 आता है कि हम अपने वैक्सीनेशन के डबल डोज को पूरा करें, अगर हमें बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता हो तो वो बूस्टर डोज लें। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि जो भी हमारा मास्क लगाने की बात है, चाहे वो डिस्टेंस बना के काम करने की बात है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों को कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि क्या ओमिक्रॉन जैसे बीमारी से हम कब तक लड़ते रहेंगे। जैसे कि गामा, डेल्टा, अल्फा वेरिएंट आए थे, और ये जो हमारा 26 नवंबर 2021 से अब तक जो पहुंचा है, यानी कि लगभग अब 1 महीना करीब है, तो इसमें जो केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे ब्रिटेन जैसे जगहों पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है, तो हम सारे लोगों को जिस तरीके से इंटरनेशनली फ्लाइट्स को कैंसिल किए गए, भारत जैसे देशों में जो है 31 जनवरी 2022 तक कैंसिल किया गया फ्लाइट, ये बहुत अच्छा जजमेंट है। लेकिन हम सारे लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सतर्क नहीं होंगे तो इस बीमारी से हम नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ध्यान कब देना होगा कि आखिर हम इस बीमारी से सतर्कता कैसे बरतें, आपको कुछ दिनों के बाद ऐसे महसूस होने लगेगा कि अगर केसेस ज़्यादा ऑफिशियली जो है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सारे लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है कि ये घर घर तक पहुंचने वाला बीमारी है, ये घर घर तक पहुंच जाएगा, और किसी को भी इस बीमारी से बचा पाना मुश्किल होगा अगर एक घर में किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को ये बीमारी हो गया, ओमिक्रॉन का वायरस का प्रभाव पड़ गया। इस वेरियंट के बाद जैसे कि डेल्टा वेरियंट आया लास्ट 2021 फरवरी में, मार्च में, तो उसका इम्पैक्ट हम सारे लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग त्राही त्राही हो गए, ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, इन सारी चीज़ों से। हो सकता है कि अगर हम इस पर सतर्कता नहीं रखें तो हमें उस तरीके से फिर से जूझने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन एक बात और समझना होगा कि जिस तरीके से वायरस का इम्पैक्ट जो होता है 14 से 20 डेज के बाद एक नज़र आता है, वो भारतवर्ष में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जो केसेस है टिल टुडे आज तक का, वो 213 यानी कि दिल्ली, 57, 54 महाराष्ट्र और 24 तेलंगाना, यही 3 जगह पे सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहा है अभी तक। और ये 2 जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंबई में, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनली जो कम्युनिकेशन है बहुत तेज़ी के साथ होता है, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा है। लेकिन जो और राज्य हैं उनको भी अपनी गाइडलाइन को एक नए तरीके से फॉलोअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, और नए तरीके से गाइडलाइन को ओमिक्रॉन से बचने के लिए लागू करना पड़ेगा, जिससे कि हम सारे लोग बच पाएँ। हम सारे लोग कोशिश करें कि हम हर बीमारी से सुरक्षित रहें, पूरे तौर पर हम जो है वो वायरस
के से बचने के जितने भी गाइडलाइन बताए गए हैं उन सारी चीज़ों को फॉलोअप करें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी की का डिस्टेंस रखें, और इसके साथ साथ जो हमारा वैक्सीनेशन है जिसका मात्र और एक कुंजी है जिसको हम कह सकते हैं वो हमारा वैक्सीनेशन, हम सारे लोग वैक्सीनेट हों, क्योंकि जिसको जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लिया है उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने का ज़्यादा चांसेस है, कई एक्सपर्ट डॉक्टर ने भी इन सारी चीज़ों को कहा है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम वैक्सीन भी लें और हमारा पूरा दोनों डोज भी कंप्लीट हो, और कोशिश करें कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपना सैनिटाइज यूज करते रहें, और उसके साथ ही हम इस बीमारी से बचें। मैं पुनः आप सारे लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, और मैं पूरी दुआ करता हूं कि हम सारे लोग जो पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से जो ये कोरोना काल में गुजर रहे हैं उससे हम लोग निजात पाएं और आने वाले दिनों में सब कुछ सामान्य हो, यही कामना करते हैं।